तो हमारे सामने खड़ी है हैरियर कार रेड डार्क एडिशन। रेड डार्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी जो है ये डार्क कलर में है, यानी कि ब्लैक कलर के अंदर है, लेकिन इसके अंदर का जो इंटीरियर है वो पूरा का पूरा रेड कलर के अंदर डाला है, इसलिए कंपनी बोल रही है इसको रेड डार्क एडिशन। इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं। कंपनी का एक मोटो था कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको 3-3 महीने के अंदर एक फेसलिफ्ट दिया जाए या फिर एक अपडेट दिया जाए, उसी के रिगार्डिंग कंपनी ने यहाँ पर हल्का हल्का रेड का टच देने का स्टार्ट किया। सबसे पहले चेंजेस में बात करते हैं, यहाँ पर फ्रंट में आप देखेंगे रेड कलर का एक छोटा सा पॉइंट दिया हो जिससे आपको मालूम चलेगी ये रेड डार्क एडिशन है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए, ये है इसका एडास का सेंसर जो हेड के नीचे लगा हुआ है। तो और साथ में 360 कैमरा का जो ये कैमरा है वो यहाँ पर है, और फ्रंट पार्किंग सेंसर हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहे। साइड में आएंगे तो यहाँ पर डार्क कलर जो है वो रेड के अंदर लिखा हुआ है, और जो कैलिपर है यहाँ पर देखेंगे तो आप रेड कलर के अंदर दिया गया है। पीछे की तरफ भी आप कैलिपर देखेंगे तो यहाँ पर रेड कलर के अंदर देखने को मिलता है। ये है हैरियर का रेड डार्क एडिशन, फिर से बता रहा हूँ आपको। और पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे कोई भी यहाँ पर रेड कलर का इंसर्ट नहीं है, लेकिन अगर बूट को हम ओपन करते हैं तो ये देख लीजिए बूट उतना ही है सेम। इंटीरियर के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं गए हैं, जो बूट पहले था वही सेम यहाँ बूट देखने को मिलता है। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है, क्योंकि जो स्पेयर टायर है वो नीचे की तरफ दिया गया है। इसको करते हैं हम बंद, अब चलते हैं गाड़ी के मेन पर्पस जो कि है उसका अंदर का इंटीरियर। गाड़ी जब खोलते हैं तो सबसे पहले आपको वेलकम करने के लिए सीट अपने आप डाउन जाती है, सो दैट कि जब आप बैठें तो आपका पैर यहाँ स्टेयरिंग के ऊपर टच ना हो। जैसे आपने देखा होगा सीट अपने आप नीचे गई, वही इसका वेलकमिंग फंक्शन है। वेलकमिंग फंक्शन के साथ साथ यहाँ पर आपको मेमोरी फंक्शन की सीट्स मिलती हैं, 1, 2, 3 तीन लोगों के साथ आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से हवा सक करके इसको ये वेंटिलेट करेगा। डोर पैड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो बीज कलर का आता था पहले, अब यहाँ पर रेड कलर का आ गया, या फिर जो पहले डार्क कलर यानी ब्लैक कलर के अंदर था, ब्लैक कलर के अंदर आता था, अब यहाँ पर रेड कलर के अंदर आ गया है। अंदर की तरफ देखें तो पूरी गाड़ी यहाँ पर डार्क कलर के अंदर है, जो डार्क एडिशन था। अरे मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा हूँ, आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैं हल्का हल्का ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि सीट ने वेलकम किया था, सीट अपने आप नीचे गई थी, जैसे मैं बैठ गया सीट अपने आप ऊपर आ गई है। ये देख लीजिए यहाँ पर पूरा रेड कलर का इंसर्ट दिया, यहाँ पर रेड दिया, यहाँ पर रेड दिया, और ये जो है आर्मरेस्ट ये भी यहाँ पर रेड कलर का दिया गया, उसके अंदर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है। ऊपर की तरफ देखें तो पैनोरमिक सनरूफ यहाँ पर दी गई है, सॉरी गाड़ी अभी चालू नहीं है, पैनोरमिक सनरूफ यहाँ पर दी गई है। और इसका जो कपड़ा है एक्चुअली में काफ़ी बढ़िया है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लाइट को पास नहीं कर रहा है। पीछे की जो सीट्स हैं वो भी यहाँ पर रेड कलर के अंदर दी गई हैं, अगर ये सीट बेल्ट भी रेड कलर के अंदर आती तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। साथ में अगर ये पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर को डॉट डॉट पैटर्न देखने को मिलेगा, थोड़ा क्लियर दिखाते हैं, थोड़ा डॉट डॉट पैटर्न देखने को मिलता है यहाँ पर, जो कि देखने में गाड़ी के अंदर काफ़ी बढ़िया इंटीरियर बनाता है। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ सॉफ्ट प्लास्टिक दिया गया है, और सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं एक्चुअली में ये रबर का और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जो कि मतलब टच करने में काफ़ी बढ़िया है। JBL के स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये देखिए JBL के स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद इसका जो MID है वो आप देख सकते हैं पूरा डिजिटल हो गया है। यहाँ पर RPM मीटर है, फ्यूल का जो इंडिकेटर्स वो है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, डोर ओपन का इंडिकेटर दिखा रहा है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। मतलब ये तो फिक्स्ड है, ये वाला जो है ये MID ये पूरा डिजिटल है, वो वाला ही फिक्स है। अब आते हैं इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम और कैमरा के ऊपर। सबसे पहले जो कैमरा क्वालिटी है पीछे वाले की वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब अगर आप थोड़ा ब्लिंकिंग देख सकते हैं वो तो ऑब्वियसली कैमरे की वजह से हो रहा है, लेकिन ये वाला जो कैमरा सब कुछ है ये एकदम बढ़िया परफेक्ट क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है काफ़ी क्लियर दिखा रहा है, और मतलब परफेक्ट दिखा रहा है, ऐसा लैग नहीं आ रहा। जो टाटा की गाड़ियों में मेन दिक्कत थी कि इनके जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम थे वो लैग कर रहे थे, वो यहाँ पर दिक्कत बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो ये होगा, दूसरा प्रेस करता हूँ ये होगा, तीसरा ये वाला प्रेस करता हूँ तो पीछे का दिखाएगा, तो मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। आप देखिए इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है कुछ इस तरीके का आ गया है। यहाँ पर वॉल्यूम का आप यहाँ पर अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको सब मिलेंगे, व्हीकल का, फ़ोन का, अदर्स का। उसके बाद होम मेन्यू पर जाके आप ये कर सकते हैं, टैप टू पेयर डिवाइस, और यहाँ पर फ़ैन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आप, एक्चुअली एसी ऑन ऑफ एसी यहाँ से। ओके तो आप देख सकते हैं कि इस मोड से भी आप यहाँ पर चेंज, यहाँ से भी आप मोड को चेंज कर सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर USB, फिर से कोई दिक्कत आ गई, इसको USB लगाने में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये हल्का सा आगे बढ़ गया है। अगर ये मैनुअल गाड़ी होती तो थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 360 कैमरा का बटन जो है वो एक्चुअली में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब साथ में इस गाड़ी के अंदर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आता है ADAS का फंक्शन। ADAS के सेंसर अगर देखें तो यहाँ पर लेन सेंसिंग वाले सेंसर होते हैं, जो लेन को चेक करेंगे, लेन कौन सी लेन के अंदर चल रही है, मतलब गाड़ी कौन सी लेन के अंदर चल रही है। उसके अलावा अगर मैं फ्रंट में आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए, ये है इसका ADAS का सेंसर जो हेड के नीचे लगा हुआ है। तो और साथ में 360 कैमरा का जो ये कैमरा है वो यहाँ पर है, और फ्रंट पार्किंग सेंसर हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहे।
लेकिन गाड़ी के अंदर काफ़ी अपडेट्स दिए गए हैं और इसका जो कॉस्ट है एक्सशोरूम प्राइस पंजाब के अंदर, ये स्क्रीन के ऊपर आपको आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मतलब चीज़ लगती है मेरे को टाटा कंपनी के अंदर, तो डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए जगह है, जो शेल्फ है वो बहुत बड़ी चीज़ दी गई यहाँ पर। साथ में यहाँ पर ग्लव बॉक्स के अंदर भी लाइट दी गई है और ये वेंटिलेटेड ग्लव बॉक्स नहीं है। और अगर यहाँ पर सीट में देखेंगे ड्राइवर साइड की तरफ, यहाँ पर हमें लंबा सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो ड्राइवर मतलब पैसेंजर है, को पैसेंजर है, उसकी तरफ देखने को हमें नहीं मिलता है यहाँ पर। और इसको यहाँ खोलेंगे तो स्प्रिंग मैकेनिज्म के साथ आता है, तो हल्का फुल्का आपको रहेगा जब तक उसको लॉक नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखें तो मतलब दिखाता हूँ आपको, टाइप सी और USB और 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट हमें देखने को मिलते हैं। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर अभी गाड़ी जस्टिफाई करती है कि आपको ये गाड़ी क्यों परचेज़ करनी चाहिए। अगर आपको गाड़ी परचेज करनी है, आप टाटा पठानकोट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी बुक करा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।